तो आज हम देखेंगे कि फोटोडायोड एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे एम है उसका टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोडायोड, और ये सर्किट डायग्राम है। तो जहाँ पे देखेंगे कि बैटरी, ये एमिटर और ये फोटोडायोड, ये तीनों सीरीज में कनेक्ट है, और ये जो वोल्टमीटर है ये पैरेलल में कनेक्ट है। और यहाँ पे दूसरी भी एक चीज़ मार्क करनी है कि जो बैटरी का पॉजिटिव है वो फोटोडायोड के नेगेटिव में जा रहा है। इसका मतलब कि ये फोटोडायोड जो है वो रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है। तो जब बोर्ड पे हम सर्किट कनेक्ट करेंगे तो ये याद रखेंगे, और फोटोडायोड को हम रिवर्स में कनेक्ट करेंगे। रिवर्स में कनेक्ट करेंगे मतलब बैटरी का ये जो पॉजिटिव है वो फोटोडायोड के नेगेटिव के साथ करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला कनेक्शन कंप्लीट करते हैं कि बैटरी, फिर ये एमिटर और ये डायोड, तीनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये बैटरी, ये एमिटर और ये डायोड, ये तीनों सीरीज में ही है, और ये वोल्टमीटर पैरेलल है। तो ये रेडीमेड सर्किट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ डॉटेड लाइन है, इसका मतलब कि करंट आगे पास नहीं हो सकता। तो हम एक वायर यहाँ पे रख के इसको आगे मूव करवाएंगे। देखिए यहाँ पे वायर रख दिया, तो अब करंट आगे फ्लो होगा। सेम वैसे नीचे भी यहाँ पे डॉटेड लाइन है, तो ये ब्लैक टू ब्लैक भी कनेक्ट करेंगे ताकि करंट आगे फ्लो हो पाए। ओके, नेक्स्ट आता है, यहाँ पे वोल्टमीटर ड्रॉ किया हुआ है। तो ये सर्किट वाला वोल्टमीटर जो यहाँ पे ओरिजिनल वोल्टमीटर है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो अगेन ये प्लस टू प्लस हो जाएगा, मीन्स रेड टू रेड। ब्लैक टू ब्लैक। उसके बाद करंट मीटर है, तो यहाँ पे ये रहा हमारा करंट मीटर। और करंट मीटर में दो वेरिएशन है, हम माइक्रो एम्प्स में भी ले सकते हैं और मिली एम्प्स में भी ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम इसको माइक्रो एम्पियर पे सेट करेंगे, और जब माइक्रो एम्पियर पे सेट करेंगे तो ऊपर वाले रीडिंग्स देखने, क्योंकि हमारे 50 तक ये रेंज जाती है और नीचे जो है वो मिली एम्पियर है, तो 5 तक है। तो अभी हम ऊपर के रीडिंग्स देखेंगे। पहले करंट मीटर को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव। तो ये करंट मीटर कनेक्ट हो गया है। अब देखेंगे कि ये बैटरी का जो ऊपर का ये जो है वो पॉजिटिव है, तो अभी हमें डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है। तो अगर आपको पता हो तो ये डायोड का नेगेटिव है, और जो ये ब्रॉड पोर्शन है डायोड का ये पॉजिटिव है। तो ये बैटरी का पॉजिटिव जाएगा डायोड के नेगेटिव में। यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखिए बैटरी का पॉजिटिव जाएगा डायोड के नेगेटिव में, और जो बैटरी का नेगेटिव है वो जाएगा डायोड के पॉजिटिव में। तो अगेन ये बैटरी का नेगेटिव वायर है, इसको डाल देंगे डायोड के पॉजिटिव में। तो ये क्रॉस कनेक्शन होगा यहाँ पे, आप देखेंगे तो, ताकि रिवर्स बायस में सर्किट कनेक्ट हो पाए। ओके, अब ऑब्जर्वेशन टेबल देखते हैं। तो हमारे पास दो ही वेरिएबल है, रिवर्स वोल्टेज एंड रिवर्स करंट। तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज को चेंज करते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग में करंट जो मिलेगा वो लिखते जाएंगे, लेकिन दो अलग अलग डिस्टेंस होंगे। यहाँ पे डिस्टेंस D1 है और डिस्टेंस D2 है। ये जो डिस्टेंस है, ये जो फोटोडायोड है, फोटोडायोड और ये लैम्प है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो देखिए, हम डिस्टेंस जब कम होगा तो ये फोटोडायोड पे लाइट ज़्यादा आएगी, तो मतलब हाई इंटेंसिटी होगी, और जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये लैम्प दूर होगा फोटोडायोड से, तो उस पर लाइट थोड़ी कम होगी, तो ये लो इंटेंसिटी है। बार सर्किट को ऑन करते हैं। ओके, यूजुअली क्या होता है कि फोटोडायोड पे जब लाइट गिरती है तो उसको सेंस करता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, देखो अभी लैम्प की लाइट इसके आ रही है। तो ये देखिए, यहाँ करंट मीटर में कुछ रीडिंग है। जैसे हम लाइट को बढ़ाएंगे तो रीडिंग बढ़ेगी, और लाइट को कम करेंगे तो कम होगी। इन शॉर्ट, ये फोटोडायोड जो है वो लाइट को सेंस करता है। तो हम ऑब्जर्वेशन टेबल के हिसाब से हम रीडिंग देखते हैं। सबसे पहले को ऐसे कर देंगे ताकि यहाँ पे ये जो हमारा फोटो डायोड है यहाँ पे छोटा सा, उस पर लाइट फॉल हो पाए। तो ये देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस सेट किया हुआ है, पहले 36 सेंटीमीटर किया है। तो ये स्केल की मदद से ये जो डिस्टेंस है इसका, यहाँ पे फोटो डायोड है और यहाँ पे लैम्प है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको सेट कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल 36 सेंटीमीटर सेट किया है, तो जैसे सेट हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ रीडिंग दिखाएगा। अभी जैसे कि 35 माइक्रो एम्पियर रीडिंग दिखा रही है, और वोल्टेज को देखें तो वोल्टेज अभी है 0 पे। ओके, 0 के बाद 10 डिविजन्स के बाद 0.5 है। तो हम पहले यहाँ मीड में अगर सेट करें तो ये 0.25 वोल्ट हो गया। तो 0.25 वोल्ट होगा, तब हम रीडिंग देख लेंगे कितनी है। इसके बाद
0.5 होगा तब रीडिंग देख लेंगे कितनी है, ऐसे करके हम देन 0.75 देन 1 देन 1.25 ऐसे 0.25 के गैप से वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे और यहाँ पे जो भी रीडिंग आएंगी वो ऊपर की माइक्रोम्स में देखते जाएंगे। तो यहाँ पे स्टेबल में आप देख सकते हैं, देखिए जैसे कि 0.25 पे ये जो करंट था वो माइक्रो एम्पियर में मिल रहा था 30 माइक्रो एम्पियर, फिर 0.50 पे 31 ऐसे, फिर वोल्टेज को 1.5 तक इंक्रीज करना है और उसके अकॉर्डिंग में जो भी करंट है वो लिखते जाएंगे। तो ये डिस्टेंस 36 के लिए हमारा रीडिंग मिल गया, उसके बाद हम डिस्टेंस चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे 48 सेंटीमीटर कर देंगे। तो अगेन ये लैम्प को थोड़ा दूर ले जाएंगे तो यहाँ पे जो रीडिंग है वो भी कम होगी, राइट। तो फिर से ये ज़ीरो हो जाएगा पूरा, अगेन इसको हम सेट करेंगे, इसको फिर से 0.25 पे सेट करेंगे और जो करंट मिलेगा वो लिखेंगे, फिर 0.5 पे सेट करेंगे और यहाँ पे करंट जो मिलेगा यहाँ पे वो करंट लिखेंगे। तो सेम वैसे ये वाला जो प्रोसीजर है वोल्टेज का ये रिपीट करेंगे, 0.25, 0.5, 0.75 और 1.5 तक जाएंगे और जो भी करंट मिलेगी उसको हम यहाँ पे मार्क करते जाएंगे। तो देखिए ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है, दो अलग अलग डिस्टेंस के लिए हमने वोल्टेज चेंज करके करंट को नोट डाउन किया है। तो ये रिवर्स यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट लिखा है क्योंकि ये जो कनेक्शन है वो रिवर्स बायस में, तो वोल्टेज और करंट दोनों में रिवर्स बायस में मिल रहे हैं। और अगर आपको पता हो तो रिवर्स बायस में जो ग्राफ होता है वो थर्ड क्वार्टर में ड्रॉ करते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड होगा। तो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ओके। तो ये हमारा फोटोडायोड का ग्राफ है जहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने वोल्टेज को रखा है और यहाँ पे वाई एक्सिस पे करंट को रखा है। और जैसे आप रीडिंग्स को ऐसे डालेंगे तो ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, तो ऐसे इसको कनेक्ट कर लेना है। जो हमने डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर सेट किया था ये उसके सारे रीडिंग है, और जो डिस्टेंस 48 सेंटीमीटर सेट किया था कि दैट इज़ कैपिटल D2, तो ये हमारे उसके रीडिंग है। तो ये करंट और वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक फोटोडायोड में ऐसे मिलती है।